Good morning, students. So, in the last video of grammar, we have already discussed about the detailed information and uh, definition and kinds about sentences. I have already told you the definition, we have talked about the kind, different kinds. So, now it is the practice time, and as you can see, that uh, this is the exercise from your grammar book, and it is the exercise uh, practice time 1A on page number 6. It is on page 6 so we are going to uh, discuss this exercise today first of all then uh, we will move forward <clears throat> the number one sentence is the girl stood on the table the girl stood on the table so what do you come to know about this sentence that there is one girl who is standing on the table there is no question mark no exclamation no order no command it is simple statement सो दिस विल बी अ डेक्लेटिव सेंटेंस ओके देन हाउ प्लेजेंट द वेदर इज हाउ प्लेजेंट द वेदर इज इसमें क्या है हमें एक्सक्लेमेशन मिल रहा है अरे मौसम कितना अच्छा है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया वेन आर यू गोइंग टू डेली वेन आर यू गोइंग टू डेली क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिख रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है गिव मी सम मनी गिव मी सम मनी तो ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है और सिंपल सी बात एक रिक्वेस्ट भी हो सकता है तो आप इसको इम्पेटिव सेंटेंस कर सकते हो गिव मी सम मनी पैसे मांगते हो तो कैसे रिक्वेस्ट करते हैं ना सबसे आप अपनी मम्मी से पैसे मांगते हो तो क्या कहोगे मम्मी प्लीज़ मुझे फिफ्टी रुपीज़ दे दो तो आप क्या कर रहे हो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपका हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग वो गाना गा रही है तो भाई ये क्या है सेंटेंस है ओपन द डोर ओपन द डोर ऑर्डर है इम्पेरेटिव हो गया मैं आपको इसका फोटोग्राफ भेज दूंगी तो अभी मैं आपको ऐसे वर्ड्स लिख रही हूँ तो इसमें परेशान मत होना यू आर जस्ट डिस्कसिंग राइट नाउ वेन डिड यू कम ह्यव तुम यहाँ कब आए क्वेश्चन मार्क तो ये हो गया हमारा इंटरोगटिव लेट हिम कम लेट हिम कम एम्पेरेटिव वट अब अरे वाह क्या नज़ारा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ये डिड यू मीट हिम ये हो गया हमारा इंटरोगटिव ये एक्सरसाइज में आपको उसका एक फोटोग्राफ सेंड कर दूंगी तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी कि हमें आ, ये इनिशियल समझ नहीं आया क्या है क्या नहीं है नोट पढ़ते हैं टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस वी यूजुअली आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट बिफोर द वर्ब ये बोलते हैं कि अगर हमें सब्जेक्ट जानना है सेंटेंस का अगर हम सेंटेंस का सब्जेक्ट जानना चाहते हैं कि भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है किसकी बात सेंटेंस में हो रही है तो हम कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे या तो हम हु से पूछेंगे या फिर हम व्हाट से पूछेंगे इन दिवंग गिवन एग्जांपल वी कैन आइडेंटिफाई सब्जेक्ट बाय आस्किंग हम नीचे जो सेंटेंसेस दिए उसमें देखेंगे हमें सब्जेक्ट अपने आप पता चल जाएगा कैसे हु डाइव्ड इन टू द पूल हु डाइव्ड इंटू द पूल पूल में कौन कूदा तो भाई कोई इंसान कूदा होगा जानवर कूदा होगा हमें सब्जेक्ट पता चल गया वैसे ही वॉट वॉज लॉन्च्ड तो आप बोलेंगे कि अ न्यू मोटरसाइकिल वॉज लॉन्च्ड तो यहाँ पे हमें इसका भी सेंटेंस पता चल गया तो हमें क्या बात पता चली कि जब भी हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए हु या फिर वॉट में ओके okay? अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की तो एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस होता है एक प्रेडिकेट होता है सॉरी एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है ठीक है द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट विच डिनोट्स द पर्सन और द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट भाई क्या कह रही है डेफिनेशन ये डेफिनेशन ये कह रही है कि जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट uh, में सॉरी जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो क्या डिनोट करता है वो ये डिनोट करता है कि हम सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है किस पर्सन या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें सब्जेक्ट से पता चलता है सब्जेक्ट से क्या पता चलता है कि भाई सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है ये हमें सब्जेक्ट से पता चल जाता है और प्रेडिकेट किससे क्या पता चलता है प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि भाई सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हुई सब्जेक्ट क्या कर रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है ओके इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट द प्रेडिकेट विल ऑलवेज इंक्लूड द वर्ड वर्ब प्रेडिकेट के साथ हमेशा वर्ब होती है वर्ब आपको पता है ना क्या होता है क्रिया वर्ब जो है वो हमेशा प्रेडिकेट में ही होती है सब्जेक्ट्स में हमेशा क्या होते हैं आपके नाउन्स और प्रोनाउंस होते हैं ज़्यादातर ठीक है जल्दी से हम एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि देखो इन्होंने क्या किया हुआ है सेंटेंस को डिवाइड कर रखा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ही हैज़ गॉन टू मुंबई ही हैज़ गॉन टू मुंबई तो आपने देखा कि ही जो है वो अलग लिखा हुआ है हैज़ गॉन टू मुंबई अलग लिखा हुआ है अब आप समझो इसे कैसे भाई वह मुंबई गया है तो हम पूछेंगे कि कौन मुंबई गया है तो हम, हमें पता चलेगा कि वह ही तो ही का मतलब जिस चीज़ का आंसर देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जिस चीज़ का भी आंसर हमको हु या वर्ड से मिलता है वो सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे हमें अगर हम क्वेश्चन इसमें बनाएंगे कि हु हैज़ गॉन टू मुंबई तो हमें आंसर मिलेगा ही हैज़ गॉन टू मुंबई तो सब्जेक्ट क्या हो गया ही हो गया क्योंकि सब, सेंटेंस में ही के बारे में बात हो रही है कि ही जो है वो मुंबई गया है और प्रेडिकेट क्या हो गया भाई ही ने क्या किया ही जो है वो मुंबई चला गया उसने ये किया तो बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस है वो प्रेडिकेट हो जाएगा ऐसे ही आई एम हैप्पी देयर मैं वहाँ खुश हूँ ओके तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है आई के बारे में बात हो रही है मैं के बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट हो गया और बाकी का पूरा सेंटेंस जो है वो भाई मैं को क्या हो रहा है मैं जो है वो वहाँ हैप्पी है तो एम हैप्पी हेयर जो है वो प्रेडिकेट हो गया सब्जेक्ट नेक्स्ट देखते हैं दे व डांसिंग वो क्या कर रहे थे तो डांस कौन कर रहा था दे तो दे सब्जेक्ट हो जाता है और वर डांसिंग आपका प्रेडिकेट हो जाता है तो सिंपल सी बात आप ये समझिए कि सब्जेक्ट जो होता है वो ये बताता है कि सेंटेंस में कोई भी पर्सन को बताएगा किसी भी थिंग को बताएगा जो सबसे मेन होगा जिसके बारे में बातचीत की जा रही है वो आपका सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट वो होता है जो कि सब्जेक्ट कर रहा है ठीक है नॉर्मली क्या होता है सब जो प्रेडिकेट है इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट दैट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग व्हाट इज़ हैपनिंग टू द सब्जेक्ट ओके तो प्रेडिकेट जो है वो हमें क्या बताएगा सब्जेक्ट के बारे में बताएगा और आप हमेशा एक बात याद रखेंगे कि प्रेडिकेट में हमेशा ही एक वर्ब जरूर होता है चाहे वो मेन uh, वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो लेकिन उसमें ज़रूर से ज़रूर एक वर्ब होता ही है ओके okay?